गाइस, ये भी एक मंदार का फूल है जो वहाँ पे व्हाइट रंग का था, ये लाल रंग का है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका तो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट मैं घर में आया था खाना खाने दोपहर का, क्या ही बोले, अचानक खाना खाते खाते गाइस मेरे को अचानक क्या ही मन किया कि मैं सोचा कि अब चलो कुछ किया जाए। तो गला तबीयत तो मेरा कल से ही ख़राब है, तो अभी सोचा हूँ दुकान, पहले तो दुकान जाता हूँ, पर करता हूँ संदीप के साथ कुछ डिस्कस करता हूँ, उसके बाद जाने का कहीं प्लान है मेरा, तो देखते हैं वो लोग क्या ही बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं दुकान, दुकान में काम था तो कुछ काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर कहीं जाने का कुछ सोचेंगे। गाइस फाइनली हम लोग चले जाने वाले हैं, कहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं, जो जगह जाने वाले पता तो है नहीं गाइस, पूरा और ऊपर होगा, बाकी जगह हम लोग जाने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाले हैं, तो बने रहे लास्ट तक। तो आज बहुत मजा आने वाला गाइस, चलते हैं। तो हे गाइस, हम लोग आज फाइनली जा रहे हैं, एक नर्सरी जा रहे हैं गाइस, बहुत ही अच्छी जगह है, तो आप लोगों को दिखाते हैं आज। वहाँ से कुछ पौधे भी हम लोग परचेज करके लाएंगे, अपने घर के आसपास लगाएंगे और हम लोग अभी जा रहे हैं। और क्या ही बोलो गाइस, आजकल आप लोग वीडियो में बहुत प्यार दे रहे हो गाइस, जल्दी से जल्दी गाइस हमारा चैनल को मोनेटाइज करवा दो फटाक से गाइस। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल हम लोग वीडियो के लिए, रोज़ ही अपलोड करने का सोच रहे हैं गाइस, लेकिन नहीं हो पाता है दुकान छोड़ के। बाकी गाइस आप लोग कोशिश करें गाइस, जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर को पूरा कर दो गाइस, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी मतलब शो होने वाला है, आप लोगों को दिख जाएगा सब्सक्राइबर कितना हमारा चैनल में सब्सक्राइबर है। तो जल्दी से जल्दी गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाए। तो क्या ही बोले, आप लोगों का प्यार तो अच्छे अच्छे कमेंट गाइस, इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं गाइस हमारे गाँव आओ वीडियो बनाने, बोलते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं। तो कभी कभी सॉरी गाइस हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि दुकान में थोड़ा ज़्यादा इतना काम रहता है, दुकान छोड़ने नहीं बनता है हम लोग को। तो कभी कभी अगर एक आध घंटा टाइम मिलता है तो निकल आते हैं, हो सके तो हम लोग सबके पास जाने का कोशिश करेंगे गाइस, सबके गांव में वीडियो बनाने के लिए। बहुत जो जो लोग हमें बुलाया करते हैं उन लोगों के यहाँ तो ज़रूर जाएंगे गाइस। तो हम लोग पहले पहुँचते हैं अपना जगह पे नर्सरी पे, उसके बाद मिलते हैं। बात तो चुके हैं बंडरी पानी, फाइनली हमें नर्सरी मिल चुका है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पर, आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली, ये रहा नर्सरी, हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी अंदर इंटर करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें पौधा दिखाने के लिए मिलता है, और कुछ कुछ पौधा परचेस करके घर भी लेके जाएंगे। तो पहले चलते हैं अंदर। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पूरा टेम्पू पौधा लेके जा रहे हैं इधर, देखिए व्यू ग्रीन 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 ग्रीन। कुछ बोलना चाहोगे समीर, कैसे लगा जगह? बहुत अच्छा लग रहा, लेके आया है पर्ची देखो। पपीता का छोटा छोटा पौधा है, और पपीता है ना, हाँ, एक या दो पपीता का भी हम लोग पौधा घर पे परचेस करके लेके जाएंगे, घर पे जगाएंगे। और ये फिर पास चेक के, ये शायद मुनगा है ना, मुनगा का पौधा है। तो गाइस आप लोगों को आगे भी और दिखाते हैं, अमरूद का छोटा छोटा पेड़ है, वो अमरूद का छोटा छोटा पौधा है, छोटा मोटा फूल सब है गाइस। और आगे वो खाद रखा हुआ है, जिससे पौधा पेड़ पौधों में खाद डाला जाता है, वो खाद सब रखा हुआ है, और जगह बहुत ही अच्छा गाइस, बहुत देख सकते हैं सब लोग। कमेंट करके बताओ क्या फल है ये, देखो क्या फल हो सकता है, कमेंट करके बताइए गाइस आप लोग। और आगे तो कुछ नहीं, उधर आगे तो खाद रखा हुआ है, रास्ता तो पूरा ब्लॉक है। और चलते हैं रिटर्न, आइए गाइस आप लोगों को लीची का पौधा दिखाते हैं। ये देखिए एक लीची का पेड़ यहाँ पे, जहाँ लीची तो सीजन गाइस लीची का खत्म हो गया, तो खत्म हो चुका है। देखो गाइस ये जैसे सेल्फी स्टार्ट हो गया, इसका फिल्टर लगा के इसका पूरा आवाज़ इसका ख़त्म हो गया है, पूरा गला मेरा खराब होते जा रहा है गाइस, अब लगता है वीडियो संदीप को ही बनाना पड़ेगा। अभी उस साइड जाते हैं गाइस उधर। तो गाइस हम लोग इधर अभी घूमने जा रहे हैं, इस साइड भी ये क्या चीज़ का पेड़ संदीप? लीची का। और देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे लीची कलम लगाया हुआ है, जिससे बाद में जड़ निकलने के बाद इसे कटिंग करके बेचा जाएगा, और यही ट्रिक से होता है, देख सकते हैं एक कलम काटा गया है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। पेड़ को कलम काटा गया है गाइस, देखो पूरा हर डाली इसी से एक पौधा निकल के आएगा। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे छोटे छोटे अमरूद के गाछी,
पेड़ लगाया गया है। यहाँ पे एक मंदार का फूल है जो व्हाइट में है गाइस, और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं यहाँ पे मंदार के फूल, आपको दिखाएंगे आगे वीडियो बने रहे। और ये देख सकते हैं एक छोटे छोटे अमरूद के फल हुए हैं जो नीचे भी कच्चे कच्चे गिर चुके हैं। तो और ये बहुत सारे गाइस, ये पूरा यहाँ से गाइस पूरा रास्ता में किनारे किनारे लगा हुआ है सो पत्ता, पता नहीं इसको क्या ही बोलते हैं, इसका नाम तो मुझे पता नहीं। और चलते हैं आप लोगों को और भी फूल पौधे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पाइप रखा गया है, इससे काम चल रहा है। यहाँ पे पानी लगाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे पाइप दिख रहा है, ये पानी पटाने के लिए पूरा पाइप बिछाया गया है यहाँ पे। और ये सो पत्ता गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, चारों तरफ लगाया गया, पता नहीं इसका नाम क्या है। बहुत सारे पौधे हैं गाइस, इतने सारे पौधे हैं कि क्या ही बोले आप लोग को, कौन से पौधे के बारे में जानकारी दे सोचना पड़ रहा है। तो ये देखिए ये भी एक मंदार का फूल है, ये थोड़ा एक गुलाब की तरह होता है और बहुत ही अच्छा रहता है भी। और एक छोटा सा इसका पेड़ होता है गाइस, और आपको और भी मंदार का फूल दिखाते हैं। तो गाइस ये भी एक मंदार का फूल है जो वहाँ पे वाइट रंग का था, ये लाल रंग का है और ये भी बहुत ही खूबसूरत है। इसका पेड़ का पौधा ज़्यादा हाइट नहीं होता गाइस, स्लोली स्लोली बढ़ता है और चारों तरफ इसमें फूल लगे हुए रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं पूरा फूल लगा हुआ है। तो चलिए आगे भी, और यहाँ पे आम का बहुत ही अच्छा अच्छा पौधा है, पता नहीं कौन सा आम है गाइस, लेकिन पूरा पौधा इसमें कलेक्ट किया गया है। और आप यहाँ से भी एक पौधा आम का परचेस करके अपने घरों पर लगा सकते हैं। और एक पपीता का पेड़ आप लोगों को दिखाते हैं, छोटा सा एक पपीता का पेड़ है और इसमें बहुत सारे फल हुए हैं और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फल ही फल दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मंदार के फूल के बारे में बता ही रहा था और मुझे रास्ते में एक पूरा प्योर वाइट कलर का मंदार का फूल मुझे मिल गया, पहली बार मैं लाइफ में देख रहा हूँ। लाल और हल्का क्या बोलते हैं क्रीमी कलर में देखा हूँ मैं, और ये प्योर वाइट है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो नया नया डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमें फूल भी देखने मिल रहे हैं, और एक यहाँ भी एक आम का पौधा लगा हुआ है। तो चलते हैं गाइस, हम लोग भी कुछ पौधे छांटते हैं अपने घर ले जाने के लिए। ये देखो गजब का पत्ता एक ठो दिख रहा है, रंग बिरंगा दिख रहा है, इसको इसका नाम हमको नहीं पता। इधर अमरूद का पेड़ देखिए, पूरा अमरूद ही अमरूद चारों तरफ। ये भी एक सो पत्ता का पेड़ है और ये सो पत्ता मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे घर पे भी है। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा मुनगा साग है, शुद्ध देसी सब्जी, बहुत ही फ़ायदा करता है गाइस इसका साग खाने में। शायद लगता है मुझे बारहमसिया पेड़ है जो पूरा 12 महीना फलने वाला फल वाला पेड़ है। तो अभी अभी तो अभी छोटा है और संदीप तो बहुत खाता है। पौधे देख सकते हैं गाइस, मुनगा का छोटे छोटे पौधे। तो सो गाइस देख सकते हैं सारा ये मुनगा का पौधा है, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मुनगा का पौधा है, जितना फूल पौधा दिख रहा है सबका फल वाला है ना संदीप, यहाँ जितना भी फूल पौधा है सब फल वाला है। और इतने देर के बाद हमें गुलाब का पौधा दिख चुका है, तो पौधा नहीं बड़ा ही बहुत बड़ा पेड़ है, फला गुलाब भी फूला है, वो सब देख सकते हैं। गुलाब का गार्डन है, वो भी गुलाबी रंग का। तो गाइस देख सकते हैं कलम किया हुआ आम है, पूरा ये कलम किया गया यहाँ से निकाला गया है, सब पूरा पौधा में कलम किया गया है। देख सकते हैं हमने जो जामुन खोज रहे थे यहाँ पे एक पौधा भी मिल चुका है हमें, तो जामुन पूरा भरा हुआ है, बड़ा वाला जामुन है जो पेड़ के जस्ट नीचे चमेली का फूल है जो बहुत ही सुगंधित सेंट देता है। और एक कटहल का पेड़ भी है, ये पूरा कटहल का पेड़ है। देखेंगे कहाँ पे मिलेगा, तो देख सकते हैं गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पौधा लेने, ये मैम हम लोग को लेके जा रही है। चमेली दिखा हम लोग का पौधा, ये रहा हमारा पौधा पपीता का, एक सौ पत्ती बड़ा वाला है ना। ये भी है ना, ये लंबा पत्ता वाला, लंबा पत्ता वाला। समीर जी दिखाओ इधर जरा हमारे ऑडियंस को क्या क्या पौधा लिए हुआ। दीदी को जोड़ा भी दे दीजिएगा ना, छोला काट दो, कुछ प्लास्टिक ले जाने के लिए।
तब करा से आए हैं, ऐसे घूमते घूमते आ गए।